हमारे देश में बनने वाली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ने के साथ साथ फिल्मों के बजट में भी इजाफा हो रहा है। अब तक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत भारत की सबसे महंगी फिल्म थी, लेकिन इसी कड़ी में पद्मावत को पीछे छोड़ते हुए भारत की अब तक की सबसे महंगी बनने वाली फिल्म का ऐलान कर दिया गया है, जिसका बजट होगा 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली भारत की सबसे महंगी फिल्म होगी रामायण। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस फिल्म में रामायण की कहानी को दिखाया जाएगा। इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में फिल्माया जाएगा। उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन 2018 के दौरान हुए एक समारोह को फिल्म निर्माता मधु मंतेना ने संबोधित किया। इसमें उन्होंने 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्म रामायण बनाने का विचार पेश किया। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने यूपी सरकार के साथ इस फिल्म को बनाने को लेकर हुए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया। मधु मंतेना इससे पहले गजनी, क्वीन, उड़ता पंजाब, NH-10, अग्नि, हंटर, मसान जैसी तमाम हिंदी फिल्मों के अलावा कई तमिल, तेलुगु और बांग्ला फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।